गाइज एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा, आज हम लोग जा रहे हैं सूरज कुंड मेला को एक्सप्लोर करने के लिए। पता है कि मेरी जो ये लॉन्ग वीडियो है, ये आफ्टर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम आ रही है, बट अब मैं रेगुलर रहने की कोशिश करूंगी। तो गाइज मेरे पापा सूरज कुंड मेले तक हमें छोड़ देंगे, क्योंकि उनको तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो वो सिर्फ हमें छोड़कर घर चले जाएंगे। गाइज मैंने एंट्री कर ली है, यहाँ पे बहुत ज्यादा धूप है, तो मेरी जो टिकट है वो 60 रुपये की आई है, क्योंकि मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ तो मैंने कार्ड दिखा दिया था, तो मेरी टिकट 60 रुपीज़ की आई है। बाकी वैसे जनरल 120 की टिकट है। तो मेले में जाते ही ना मुझे स्विंग्स दिख गए, और स्विंग्स तो मुझे इतने ज़्यादा पसंद है ना, तो सबसे पहले जाके मैंने एक राइड ले ली। तो गाइस हम झूले में बैठे हैं, उसके बाद हम चले गए थे और चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। गाइस ये सूट पे आर्ट वर्क हो रखा है, देखो कितना सुंदर लग रहा है। आगे चलते हैं, क्यूट क्यूट से कुर्ते, मैं भी एक बार एक लेके गई थी तो अच्छा निकला वो। फिर मुझे दिखी ये क्रॉकरी जिसपे जेन्युइन आर्टवर्क हो रखा था। वहाँ पे आपको बहुत सारी यूनिक यूनिक चीज़ें देखने को मिलेगी, एंड ऑल्सो आपको घर को डेकोरेट करने का भी बहुत सारा सामान वहाँ पे मिल जाएगा। चावल पे नेम लिखा जाएगा, कीरिंग पे लिखा जाएगा, शोपीस पे लिखा जाएगा, कोई भी एक चावल पे दो नेम भी लिखवा सकते हैं आप। देखो ये हमने भी लिखवाया है, चावल वाला। देखो गाइस श्रीलंका के बैग, बहुत सुंदर सिटी एकदम। खरीद ले फिर, खरीदो। फिर गाइस भूख लगी तो मैंने अपने लिए मंगवाई पाव भाजी, लेकिन वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, सिर्फ ओके ओके थी। सो गाइज मैं घर आ गई हूँ और बहुत 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 ज़्यादा थक गई हूँ, और शायद टाइम 4 बज रहे हैं, एंड मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। इसको भी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके बाय।